सेक्टर 6 में होली त्योहार को ध्यान में रखते हुए 70 से अधिक सक्रिय गुंडे बदमाशों को समझाइश देने के लिए उनकी परेड कराई गई और होली त्योहार को शांतिपूर्वक भाईचारा से मनाने के निर्देश के साथ ही साथ अपराध न करने की शपथ भी पुलिस के द्वारा उनको दिलाई गई। यदि होली त्योहार के दिन शहर की शांति व्यवस्था को भंग करने की कोशिश की गई तो सख्त कार्रवाई निर्देश के अनुसार की जाएगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बद्री नारायण मीणा दुर्ग ने सभी अधिकारियों और प्रभारियों को होली के दौरान विघ्न और उत्पात मचाने वाले लोगों को चिन्हांकित कर इनके ऊपर लगातार निगाह रखने और कार्यवाही किए जाने हेतु सख्त निर्देश दिए हैं। वहीं दुर्ग पुलिस द्वारा आम जनता से अपील भी कर रही है कि होली को शांतिपूर्वक मनाते हुए शासन प्रशासन के द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन का पालन कर पुलिस का सहयोग करें। VLC एक्सप्रेस न्यूज के लिए दुर्ग से विजयलक्ष्मी चौहान की रिपोर्ट। सागे साले तुम लोग ये 3-4 दिन अगले समय भी इधर उधर जाकर लफड़ा ना करो। दुर्ग वाला भिलाई में, भिलाई वाला दुर्ग में जाकर लफड़ा ना करे। सब लोग अपना चेहरा खोलो भाई। अबे कोरोना साले मुंह छुपा कर रहा है, तो देख लो आप लोग कहीं भी दिखते हो ढाक बंद कर देना। आपके इलाके का जानते हो, दूसरे इलाके का अगर गुंडा बदमाश दिखता तो साथ में गाड़ी में को शांतिपूर्वक मनाए जाने को लेकर पुलिस प्रतिबद्ध है और उसी पर से लेकर आज दुर्ग पुलिस ने यहाँ पर जिले के जितने भी निगरानी गुंडे बदमाश हैं और खासतौर से जो चक्कूबाज हैं, पुरानी कारधारी और जेल से बाहर हैं, उन सबको यहाँ पर तलब किया है। उनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है और साथ में यहाँ पर थाना प्रभारी और संबंधित राजपत्र अधिकारी भी शहर के हैं, तो उनके सामने एक इलाके के गुंडे को या निगरानी को दूसरे इलाके के थानेदारों के सामने पहचान कराया जा रहा है, ताकि यदि एक इलाके का क्रिमिनल या अपराधी दूसरे इलाके में जाकर वहां पर बदमाशी करता है तो उस थाने नॉलेज में हो सके और आवश्यक कार्रवाई की जा सके। कुल मिलाकर पुलिस को यहां पर बेहतर करने का कवायद चल रहा है। घटना को अंजाम देने की बात सेकेंडरी प्राइमरी है कि हम इनके खिलाफ अभी ही वर्तमान में ही कार्रवाई कर रहे हैं। हमको ADM दुर्ग के अध्यक्षता में एक शांति समिति की मीटिंग की गई, जिसमें आने वाला त्यौहार खासतौर से होली और शब्बे बारात उसको लेकर शांति समिति की मीटिंग की है और इसमें शांतिपूर्वक होली मनाए जाने को लेकर चीज़ें कही गई हैं।